नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। और एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज लखनऊ से, बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज, सभी आला अधिकारियों को सीएम ने तलब किया। सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से निकल के सामने आ रही। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया। सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री अफसरों को अलग ही तरीके से डील करने वाले। बड़ी जानकारी, सभी अफसरों को बुलाया है, विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया है। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। सभी आला अधिकारियों को सीएम की ओर से तलब किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक होने जा रही लखनऊ से, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। सीएम अफसरों को अलग अंदाज में डील करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल के सामने आ रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारियों को तलब किया गया है। अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को तलब किया गया है। बैठक में समीक्षा करेंगे इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ। और हर एक विभाग के काम की समीक्षा करने वाले हैं। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ पेश होने के लिए कहा गया है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे इस दौरान। और सभी को विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है, बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि सीएम अफसरों से अलग ही अंदाज में डील करने वाले हैं। तो लखनऊ से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। और सभी आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से तलब किया गया है इस बैठक में पेश होने के लिए, हाजिर होने के लिए। और अलग ही अंदाज में इस दौरान जो है अफसरों से डील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे और अफसरों से जवाब तलब करेंगे। तो लखनऊ से जानकारी निकल के सामने आ रही। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज, सभी आला अधिकारियों को सीएम ने तलब किया है। अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों को भी तलब किया गया है, जहां हर एक विभाग के काम की समीक्षा करेंगे इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये जानकारी मिल रही है। बड़े अफसरों को विभागीय कामकाज के साथ ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी मिल रही है कि सीएम अफसरों से अलग अंदाज में डील करेंगे, अलग अंदाज में बातचीत करेंगे। विभागीय कामकाज के ब्यौरे के साथ सभी अफसरों को बुलाया गया है। और यह जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे सभी अफसरों के साथ, जवाब तलब करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और सभी अफसरों को जो है इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वसुंधरा सेक्टर एक में सोसाइटी के एसी में लगी आग, बड़ी जानकारी। गाजियाबाद से, वसुंधरा सेक्टर एक में सोसाइटी के एसी में आग लग गई है। लगातार एसी चलने की वजह से आग लगी है और आग लगने से धमाका हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। वहीं
सुरक्षा के मद्देनजर एलपीजी कनेक्शन काटा गया है। तो वसुंधरा सेक्टर एक का मामला है जहां सोसाइटी के एसी में आग लगी और लगातार एसी चलने की वजह से ये आग लगी है, जिससे वहां धमाका हुआ है। वहीं जो है इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद कई दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात करें तो एलपीजी कनेक्शन भी काटा गया है। तो गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है और कई सारी दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। लगातार एसी चलने की वजह से आग लगी है और सोसाइटी जो है गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर एक में सोसाइटी के एसी में आग लगने की खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां एसी के चलते जो है आग लगी है। लगातार एसी चलने की वजह से ये आग लगी है और धमाका हुआ है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर एक का ये मामला है जहां सोसाइटी में एसी में आग लगी और इसके पीछे की वजह लगातार एसी का चलना बताया जा रहा है। गाजियाबाद का ये मामला है जहां वसुंधरा सेक्टर एक में सोसाइटी के एसी में आग लगी। लगातार एसी चलने की वजह से आग लगी और धमाका हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और सुरक्षा के मद्देनजर एलपीजी कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। तो गाजियाबाद का ये मामला है जहां एसी चलने की वजह से आग लग गई और बड़ा धमाका देखने को मिला। तो लगातार एसी चलने की वजह से ये आग लगी है, धमाका हुआ है। वहीं अफरा तफरी का माहौल जो है इस दौरान देखा गया। तो वसुंधरा का ये सेक्टर एक का मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर एक में सोसाइटी में एसी चलने की वजह से ये आग लगी है और धमाका हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर एलपीजी कनेक्शन भी काटे गए हैं। गाजियाबाद से यह खबर सामने आ रही है और वसुंधरा सेक्टर एक में सोसाइटी के एसी में आग लगी और लगातार एसी चलने की वजह से आग लगी है, धमाका हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें जो है वो धधक रही है। आग लगने की खबर जो है दमकल विभाग को दी गई और कई सारी दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो गाजियाबाद का यह मामला बताया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर एलपीजी कनेक्शन भी काटे गए हैं और लगातार एसी चलने की वजह से ये आग लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या है पूरा मामला, कब ये आग लगी? दरअसल ये सुबह 5:30 बजे का मामला है, जो की गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर एक का है। ये दो मंजिला फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें सुबह 5:30 बजे एसी में ब्लास्ट होने के बाद वहाँ जो है आग लग गई। और उस समय जब ये आग लगी, जब वहाँ परिवार मौजूद था, वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। अचानक आग को देखता हुआ वो घर से निकल के बाहर आ गए, जिसके बाद थोड़ी ही देर में आग में इतना तेज हो गई कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखे सामान जो है जलकर राख हो गया। परिवार के लोगों ने, आसपास के लोगों ने इस दौरान आग लगने से कितने का नुकसान हुआ है? आपको बता दें, जब आग लगी तो घर में रखा सामान जो है, जो उसकी चपेट में आया, खिड़की दरवाजे वो जलकर राख हो गए। घर में रखा सामान लगभग जो भी टीवी फ्री अलमारी वगैरह सब में आग लग गई। और दरअसल इसमें जो बता दें, जो इसकी आग की चपेट में जो सामान था वो पिघलकर जो है राख हो गया। दमकल करने को जब सूचना मिली तो वे तुरंत वहाँ पहुंचे और दो गाड़ियां फायर ब्रिगेड वहाँ मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया, जिसके बाद इस आग को बुझाया जा सका। लेकिन इस पूरे अग्निकांड में जो है लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद वहाँ परिवार जनों का कहना यह है की एसी का जो है एसी में ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद ये घटना घटी है। इस अग्निकांड में जो है परिवार के लोग सुरक्षित है, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। और क्या किसी के हताहत होने की खबर भी मिल रही है? इसमें कोई हताहत की खबर नहीं है, लेकिन घर में रखा जो सामान था
घर के अंदर रोए चलकर लाश हो गया है। परिवार जो है सुरक्षित, जब आग लगी थी तो सुरक्षित वहां से निकलकर फ्लैट से बाहर आ गया था और दमकल कर्मियों को तुरंत सूचना दी, उसके बाद आग पर काबू पा लिया था। जी जी, और अभी जो है आसपास के माहौल में क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आग की लपटें जो है लगातार धधक रही है और इसमें जो है अफरा तफरी का माहौल भी जो कहीं ना कह सकते हैं कि आग लगने से जो मच जाता है, अभी क्या माहौल देखे जा रहे हैं सोसाइटी के आसपास? जी जी, आपको बताया जो है सूचना थी, दो तीन दिन आग लगे, आपको बता दें दरअसल लगातार रोज ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें ये आग लगी एसी में ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन फिलहाल जब आग पर काबू पा लिया है तो वहाँ पर जो है अभी परिवार के सदस्य अपने सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और नुकसान आकलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो आग लगी है वही आस पास के लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है, क्योंकि दिन पर दिन जैसे गर्मी का टेम्परेचर 47 डिग्री से पार हो रहा है और आए दिन सूचना है कि एसी में ब्लास्ट होने से जमीन, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है कहीं ना कहीं एसी चलाना लोगों के लिए मजबूरी है, ना चाह के भी चलाएंगे, और अगर जो है एसी चलाते तो इस तरह की आए दिन खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे राहत मिले लोगों को? जी आपको बताएं क्या है, जो एसी को चलाते से जो आग की जो घटनाएं सामने आ रही है इसके पीछे एसी का जो रख रखाव होता है, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह उसके अंदर जो रख रखाव थे जो लोग लापरवाही कर देते हैं और लगातार उसमें एसी जो है छत पे जो लगे रहते स्प्लिट एसी था जिसमें ये आग लगी है, जो कि ये बाहर की तरफ लगा हुआ था, टेम्परेचर झेल नहीं पाते हैं और आग लगने के चोट करके तो उसके अंदर जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो डैमेज हो जाते हैं उस वजह से इनमें आग लग जाती है। वही टेक्निशियन को मैं साथ कहना है कि इसके रख रखाव एसी की घटनाओं को बचाने के लिए इसका रख रखाव पर ध्यान रखें, समय पर उसका मेंटेनेंस कराए ताकि ये एसी में जो आजकल जो घटनाएं बढ़ रही है आग लगने की वो कम हो सके। जी 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 बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये गाजियाबाद के जो है गाजियाबाद का मामला है और इस दौरान जो है वसुंधरा सेक्टर 1 की सोसाइटी में आग लगी है और आग की लपटें आप देख सकते हैं। और उपते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद लोकसभा सीट से जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उज्जवल रमन सिंह ने इंडिया वॉइस से प्रयागराज संवाददाता शोएब रिजवी से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को जीत का श्रेय देते हैं। इस तरह से दो लड़कों की जोड़ी ने पूरे यूपी में तहलका मचाया, एक बड़ी जीत दर्ज की। वहीं अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो वहां के लड़के ने 40 साल बाद कांग्रेस को एक बड़ी जीत दर्ज कराई है। हम बात कर रहे हैं कुंवर रेवती रमन सिंह की, जो बड़ी जीत के साथ इलाहाबाद संसदीय सीट पर उन्होंने अपना परचम फहराया। हम जानना चाहेंगे इस बार की जीत के क्या मायने रखते हैं आपको? देखिए, बहुत बड़े मायने हैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए। प्रयागराज की जनता का आभार, उनका धन्यवाद कि जो रिकॉर्ड बनाया है प्रयागराज की जनता ने, रिकॉर्ड बनाया है, ये उज्जवल रमन सिंह का रिकॉर्ड नहीं है। इसका सारा का सारा श्रेय यहाँ की जनता को जाता है और निश्चित तौर से प्रयागराज को आगे ले जाने के लिए जो कुछ हो सकेगा, उसकी अस्मिता गौरव को ऊपर उठाने के लिए जो कुछ हो सकेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको राजनीतिक विरासत में मिली है और आपके पिता ने इसी सीट पर एक बड़े भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को बड़ी हार दी थी, इस बार आपने उसी तरह उसी अंदाज में केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे को जो मात दी है, किस तरह से इसको देखते हैं? जनता में आपकी कौन सी लोकप्रियता थी जो इस लहर में भी आपको जीत मिली? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, इस विचारधारा की लड़ाई में निश्चित तौर से जनता ने हमारा साथ दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही थी उसका जवाब है कि मोहब्बत की दुकान में लोग लौट कर आए हैं, हम लोगों का स्वागत करते हैं। इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखने के लिए, इसको अक्षुण रखने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा ये इंडिया गठबंधन करेगा और इलाहाबाद की प्रयागराज की लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल, आपके पिता कई बार विधायक चुने गए, आप भी इससे पहले विधायक रह चुके हैं, पिता दो बार सांसद बने, इस लोकप्रियता और जनता के भरोसे को कैसे जीतेंगे और क्या योजनाएं आपकी? आखिरी सवाल है। देखिए, जनता की सेवा करेंगे पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, और जो प्रयागराज के बेहतरी का सवाल है, प्रयागराज के विकास का सवाल है, प्रयागराज के अस्तित्व का सवाल है, प्रयागराज के गौरव का सवाल है,
इस सब में जनता के साथ खड़े रहेंगे, मुस्तैदी के साथ इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जीत की, बहुत बहुत बधाई दीजिए कुंवर सिंह से, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो जनता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे और उनके लिए हर संभव काम करेंगे। स्वर्णिम इंडिया वाइज प्रयागराज। और बढ़ते आगे दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी, एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना, कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे मोदी। कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम बुलाए गए। कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तो कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। और अब जो है तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तो कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से, कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुन लिया है और 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुन लिया है। कल बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे और सभी सांसदों को, बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं और कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है, जहां तीसरी बार जो है पीएम पद की शपथ लेंगे अब नरेंद्र मोदी और इसकी तैयारियां की जा रही है। और बढ़ते आगे लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव संभव। बड़ी जानकारी, केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव संभव, मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे, तो केंद्र में शपथ के बाद जो है बड़े बदलाव प्रदेश में किए जा सकते हैं और मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद भी की जा रही है। संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए हैं, दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरों को जगह मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद की जा रही है। प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए हैं और दोनों मंत्रियों की जगह नए चेहरों को मिलेगी। और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, प्रदेश सरकार के मौजूदा 2 मंत्री सांसद चुने गए हैं और बताया जा रहा है कि प्रदेश में कई बदलाव भी किए जा सकते हैं। तो संगठन की समीक्षा के बाद कई बदलाव किए जाएंगे, मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। तो लखनऊ से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, केंद्र में शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश में बदलाव की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो केंद्र में शपथ ग्रहण का जो है उसके बाद प्रदेश में बदलाव संभव होने हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, केंद्र में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसी के साथ बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी कई बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, क्या खबर मिल रही है इसे लेकर? जो ही चुनावी रिजल्ट आ चुका है और चुनावी रिजल्ट में एनडीए को पूर्ण बहुमत भी मिल चुका है और तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। और बात करें यूपी की सियासत की, तो यूपी में जो मंत्री सांसद चुने गए हैं उन्हें भी अब केंद्र सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और जिस तरह से जो चुनावी रिजल्ट सामने आया है, कहीं ना कहीं जो बीजेपी को झटका लगा है, यूपी की 80 में से 35 सीटों पर ही बीजेपी जीत दर्ज करी पाई है, ऐसे में इसका भी अब मंथन तेज हो चला है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी हाईकमान अब इस पर भी गहन समीक्षा कर रहा है कि किन मंत्रियों ने लापरवाही बरती चुनाव में और किन मंत्रियों ने जो है दगा किया है कहीं ना कहीं। जिस तरह से अगर बात करें घोसी सीट पर, तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव नहीं जीत पाए, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं संजय निषाद की बात करें तो वह भी कैबिनेट मंत्री है यूपी में, वह भी जो है जो चुनावी बैतरणी अपने बेटे की पार नहीं कर पाए। वहीं सबसे अहम सीट की बात करें जो ही तो रामनगरी अयोध्या है, यहाँ भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अगल बगल की जो सीटें थी
वहाँ भी बीजेपी नहीं जीत पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चुनाव परिणाम है इसको लेकर अब विशेष मंथन चल रहा है बीजेपी पार्टी में, और यह माना जा रहा है कि कई ऐसे मंत्रियों को जो है बीजेपी हटा भी सकती है, उनके स्थान पर दूसरे को मंत्री बनाया भी जा सकता है। अजीत नए चेहरों को लेकर बताया जा रहा है कि दो लोगों को नए चेहरों को जगह मिल सकती है, उनको लेकर किसके नाम सामने आ रहे हैं, क्या कोई जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी बिल्कुल, जो है जो दो नए मंत्री सांसद बने हैं उनको लेकर अभी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि जिस तरह से इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार बनने जा रही है, और फिलहाल अभी की बात करें तो दिल्ली में बैठक चल रही है, सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा रहा है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जिनको हाईकमान ने मांगे हैं, और खासकर प्रदेश अध्यक्ष की जिसमें आम भूमिका होगी उन्हीं के जरिए नामों को भेजे जाएगा। फिलहाल अभी बीजेपी की तरफ से जो मंत्रियों का नाम चल रहा है हालांकि अभी इसका खुलासा जो है बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। जी जी सिर्फ कई तरह के बदलाव की जो है उम्मीद जताई जा रही है, जहां संगठन की समीक्षा की बातें भी की जा रही है, कब तक ये सब जो है किया जाएगा, समीक्षा कब तक की जाएगी और क्या और बदलाव देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी के रण में जो 80 सीटें हैं काफी अहम रखती है, और इस सीटों पर जो है पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा नहीं हो पाया, तो ऐसे में अब यह भी मंथन चल रहा है कि किस पदाधिकारी या फिर किस मंत्री की वजह से हार मिली, यह भी मंथन चल रहा है, और साथ ही साथ किस जिले में किस पदाधिकारियों ने दगा किया है प्रत्याशियों के साथ, यह भी मंथन चल रहा है। हालांकि अगर कैसरगंज जीत की बात करें तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण शरण सिंह ने बाजी मान ली है, वहीं अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अगर नितिन प्रसाद की बात करें तो नितिन प्रसाद ने बाजी मान ली है, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है अगर बात करें गाजियाबाद की तो यहाँ पर भी बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। मेरठ की बात करें तो अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है, अरुण गोविल को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वही अगर मथुरा की बात करें तो सिनेमा स्टार हेमा मालिनी का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हेमा मालिनी तीसरी बार यहां से सांसद चुनी गई, हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद चुनी गई है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब मंथन चल रहा है, क्योंकि हार जीत को लेकर अब गहन समीक्षा चल रही है, और इन सब के बीच अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में जिस तरह से राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से जीत दर्ज कराई है, तो इस बार राजनाथ सिंह को अहम ओहदेदार जो है मंत्री पद का की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि राजनाथ सिंह के पास जो है गृह विभाग माफ कीजिएगा सुरक्षा विभाग है, रक्षा मंत्री हैं, तो जिस तरह से जो चुनावी आंकड़े आए हैं, नतीजे आए हैं, उसको लेकर अब पूरी तरह से बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है, खामियों को भी देख रही है, और जो सफलता जिस सूत्रों पर हुई है उस पर भी गहन मंथन कर रहे हैं। जी आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा है उसको लेकर पार्टी और सरकार जो है पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और लगातार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ।